हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ न्यूज़ 18 के कॉन्क्लेव में, जो कि ताज होटल में है। आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कॉन्क्लेव, और आपको भी दिखाता हूँ। और हम इस टाइम चाय पी रहे हैं और उसके बाद कॉन्क्लेव में जाएंगे। चुके हैं कॉन्क्लेव के इनसाइडर अंदर, और आपको दिखाता हूँ सामने। कुछ ही पलों में कॉन्क्लेव स्टार्ट होने वाला है और पहले गेस्ट आने वाले हैं, अभी उनसे भी मिलवाएंगे आपको। और प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है फॉर्मली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। साथ आपके मैं हूँ शालिनी कपूर तिवारी, देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर चौपाल में, जी हां, देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल की खास पेशकश चौपाल फिर हाजिर है। पिछले एक साल में कोरोना की आफत गई, कोरोना से राहत मिली। करूंगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तो जोरदार तालियों के साथ। समस्याओं की समाधान मोदी जी ही कर सकते हैं, यह आज विश्व की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी पे है। और मोदी जी ने वो कहते हैं, ये अपेक्षा व्यक्ति से नहीं है, भारत की 130 करोड़ जनता से है। ये भारत एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, ज्ञान आधारित करते हैं। देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन राहुल गांधी को लंदन में जाकर 9 साल में जो नरेंद्र मोदी का शासन है उसमें लोकतंत्र समाप्त होता हुआ क्यों दिख रहा है? देखो, आपने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछने के लिए मेरे को यहाँ आमंत्रित किया। प्रजातंत्र की मायने क्या है उसको कभी बुला के समझाने की आवश्यकता है। भारत में प्रजातंत्र बहुत गहरा है, इस देश की जनता की रग रग में है, शायद उनके मन में भारत के प्रति एक मूलभूत कुंठा है, आइडिया ऑफ इंडिया के प्रति उनके मन में एक मूलभूत कुंठा होने के कारण उनको जब अवसर मिलता है उनके मन की बात सामने आ जाता है, उनकी जो मूल सोच है वो प्रतिफलित होता है। इसलिए उनको हम जितना उनके बारे में, उनकी बौद्धिक क्षमता के बारे में चर्चा करें उतना कम करें उतना अच्छा। लेकिन आपने बोला कि जब आपके सामने आएंगे तो उनको समझाइएगा, लेकिन आपके सामने तो संसद में आपको मिलते होंगे, कभी आपने समझाने का प्रयास नहीं किया? देखिए, उनका एक बड़ा तरीका है जी, अभी संसद ने ही पूरा देखा। जो ज्यादा बोलते हैं वो कहते हैं बाहर जाके मेरे माइक बंद कर देते हैं। भय पैदा होता है और अनावश्यक दबाव अगर आता है जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मीडिया पर, और सब इस बात का एहसास करते हैं तो ये सवाल उठाना। और मैं ऐसा मानता हूँ किशोर जी कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप देश के पायलट जी और हमारा लोकतंत्र स्वस्थ रहे, निर्भर रहे, जीवन रहे, सबको बनाइए। क्योंकि भारत में मैंने कहा पॉसिबल है, करके दिखाया, 2 महीने पहले की बात है। तो स्ट्रैटेजी, नैरेटिव, कैंपेन, इश्यूज, जनता से संपर्क, एक जीवन, एक रिलेशनशिप जो बनता है और लोगों के बीच में अगर सही मुद्दों को लेकर जाते हैं तो जनता भी बहुत समझदार है। और मुझे लगता है कि इस देश का जो मतदाता है वो तराजू रखता है अपने हाथ में, वो नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा सत्ता का एकीकरण हो जाए या हमारी बात को फिर लोग सच्चे सारी वोट हमारी जेब में रहने का समझे तो फिर किसी की परवाह नहीं करते।
चुनाव जीत जाना जी, चुनाव जीत जाना, सरकार बना लेना, कोई ब्लैंक चेक नहीं, जीवन भर आप कुछ मर्जी करते रहो, एक चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, एक सशक्त मजबूत विपक्ष होना चाहिए और मुद्दों पर आगे बिजली के, चिकित्सा के, दवाइयों, इन बातों पर चर्चा मेहमान का जो कि आ रहे हैं चौपाल के इस मंच पर, क्योंकि उनकी जिंदगी का उसूल बहुत ही सीधा है, आवेदन, निवेदन और फिर दे दर आदर। तो स्वागत कीजिए वीरेंद्र सहवाग का। मुझे लग रहा है आज का मुद्दा पाकिस्तानी है। हम लोग लखनऊ में थे, सारा शहर में, तो वहाँ पर हमारे लिए इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था, तो उस डिनर पे परफॉर्मेंस भी थी, शाहरुख खान और वो सब आए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग खाना पीना कर रहे थे, तो शोएब अख्तर ने शायद कुछ दो चार पैक ज़्यादा लगाई, तो उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर को उठाने लगे, तो सचिन तेंदुलकर को उठाना आसान काम नहीं है, मतलब हमारी इतनी जनता है, उनका प्रेशर इतना उनके कंधों पर रहता है, तो समझ लो कि 100 करोड़ लोगों को उठाने के बराबर है तेंदुलकर उठा, तो इतने भारी हैं, तो उठाने लगे तो गिर गए, तो मैं बाहर में खड़ा था, मैं हंसा भी, लेकिन मैंने उनको ड्राइव, मैं कहा वो तेरा करियर खत्म, क्योंकि तूने हमारे क्रिकेटर को, सबसे बड़े प्लेयर को गिराया, उसको चोट लग गई है, वो बीसीसीआई को बोलेगा, बीसीसीआई को बोलेगा, तू तो खत्म, तू तो मर गया, तेरा कैरियर हो। तो वो दो तीन दिन तक चला सिलसिला, फिर बाद में उसने सचिन तेंदुलकर जाकर पैर बोले भाई आप ऐसा कुछ मत करना, मतलब परिचय कराने की जरूरत नहीं है, परिचय करवा ही दिया इसने, बता दिया ब्यूरोक्रेट से आप नेता बने, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आईआईटी कानपुर, फिर आईएएस, फिर अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री। सवाल शुरू करने के पहले एक ही चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये तीन चीजें आपने देखी, टेक्नोक्रेट रहे आप, अमिताभ भाई के जो क्वेश्चन है आएंगे और ला करके जो है वो उस पर हाहाकार मचाएंगे, संसद में हंगामा करेंगे और कहेंगे कि मैं अगर संसद में बोल दिया तो संसद में तो मुख्तार अब्बास नकवी जी और प्रमोद तिवारी जी, अमीश देवगन जी के साथ पहले भी एक लंबी श्रृंखला है और अब जो है वो ये कर रहे हैं। एक चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है नहीं, मैंने कहा ना कि बाई चांस सब कुछ नहीं है, बाई चॉइस हो रहा है, क्योंकि भारत की धाक और मोदी जी की धमक को धूमिल करने की जो इनकी धुन है, उस धुन में ये जो है वो और आज जो है इसका नतीजा है कि इस धुन का जो परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी के एंट्री गेट से ज्यादा एग्जिट गेट पे भीड़ दिखाई पड़ती है बाहर जाने वाली। आपने आपको टाइम हो गया है और आप भी आर बेंच